हेलो प्यारे बच्चों एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना। और ये देखिए, चित्र को देखिए आप, यहाँ पर दिया गया 1/2, 1/2। तो ये देखिए, ये चित्र है, यहाँ नीचे एरो लगी और 1 है, और ये पूरा भाग है, और ये हमारा है 1/2 आधा भाग। अब नीचे आते हैं, ये देखिए 1/2, 1/2, 1/2। यह 1/2 + 1/2 + 1/2 है, जहां 1/2 3 बार आया है, अर्थात कुल भाग = 1/2 × 3। अब देखो 1/2 + 1/2 + 1/2, 1 ये देखिए = 1 + 1 + 1/2, तो ये ऐड हो गया हमारा = 3/2। और इधर देख लीजिए, फिर = 1 / 1/2। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, मैं कर देती हूँ यहीं पे, तो ये आएगा 1/1/2। देखिए यहाँ गंदी हो जाएगी कॉपी। अब देखिए 1/2 × 3, फिर 1 × 3, जब 1 का 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 = 3/2 है, तो 3/2, और यहाँ पर आएगा हमारा 1/1/2। अब इसे भी देखो, सामने के चित्र में प्रत्येक खाने का रंगा हुआ भाग 1/2 है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए 1/2, 1/2 इस तरह से हैं। यह चित्र 1/2 × 5 को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा है, इसमें सब में 1/2 2 है, और ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये प्रदर्शित कर रहा है 1/2 × 5 को। हम जानते हैं कि 1/2 × 5, तो ये देखिए, ये इससे हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 × 5/2, तो 5/2। अब इसको हमें मिश्र भिन्न में जो है लाना है, 5/2 को, एक सेकेंड, ये देखिए 5/2 को जब हम मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो हमारा आता है 2/1/2। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका डिवाइड कर दिया है, और इसी तरह ये भी है 1+2, 1+2 फाइव टाइम लिखेंगे, फिर ये 1, 1 हमारा ऐड हो जाएगा, और नीचे 2 है, तो ये जब ऐड होगा तो 5/2 आ जाएगा। तो इसका भी इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2/1/2 आएगा। देखो 3/4 × 5 = 3×5 = 15, तो ये 4 है। अब इसका भी आप इसका भी जो है डिवाइड करेंगे, तो इसका आएगा 3 × 3 = 3/4। इसी प्रकार 4/2 × 3 = 5 = 3×4 = 12, 13, 14, तो हमारे यहाँ आया 14/3 × 5। अब 14 का 5 से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो हमारा आएगा 70/3। अब इसका भी हम मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे डिवाइड करके, तो हमारा आएगा 23/1/3। हमने देखा कि किसी भिन्न में पूर्ण संख्या का गुणा करने पर भिन्न के अंश में उस पूर्ण संख्या का गुणा होता है, तथा भिन्न का हर पहले वाला ही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।